हाय ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक प्लांट्स टिश्यू पढ़ने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं कैन यू रिकॉल से कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ़ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या आप मेन डिफरेंस बता सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ में बेसिक सा डिफरेंस क्या है सेकेंड इज वाई डज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकॉर ओनली ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी प्लांट की ग्रोथ उनकी स्पेसिफिक पार्ट में ही क्यों होती है यानि प्लांट बॉडी में कोई स्पेसिफिक पार्ट होता है वो ही पार्ट ग्रो क्यों करता है ट्राई दिस आश द फिगर सेवेंटीन पॉइंट थ्री प्लीज एन ओनियन

के रूट्स की लेंथ क्या होती है ऑन द फोर्थ डे कट ऑफ वन सेंटीमीटर ऑफ द रूट्स ऑफ द ओनियन एंड फ्लास्क बी फिर चौथे दिन आपको एक सेंटीमीटर की रूट फ्लास्क बी से कट कर देनी है मैज लेंथ ऑफ द रूट और बोथ द ऑनियन फॉर द नेक्स्ट फाइव डेज ऑन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल फिर अगले पाँच दिन तक आपको रोज़ दोनों ऑनियंस की जो रूट है उसकी लेंथ मेज़र करनी है और इस टेबल में फिलअप करनी है विच ऑनियन अ लॉन्गर रूट एंड वाई कौन से ऑनियन की रूट ज़्यादा लंबी है और क्यों एंड वाई डिड द रूट्स ऑफ द ओनियन इन द जार बी स्टॉप ग्रोइंग इस सेकेंड जो जार बी का जो ऑनियन है सो so वो उसके रूट स्टॉप क्यों हो गई है उसके रूट बढ़ना बंद क्यों हो गई है ये आपको फाइंड आउट करना है सो हेलो बच्चियों हाई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मर्स्टमेटिक टीशू पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सो so, स्टार्ट करते हैं एज मेरिस्टमैट मेरिस्टमेटिक टिशू इज प्रजेंट इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ प्लांट ग्रोथ ऑकर्स इन दोज पार्ट्स ओनली जो मैरस्टोमैटिक टिशू होता है वो प्लांट के एक स्पेसिफिक पार्ट में ही प्रजेंट रहता है और वो प्लांट के जो पार्ट्स है यानी प्लांट बॉडी के पार्ट्स में ग्रोथ करने के काम आता है सेल ऑफ़ द मैरिस्टमैटिक टिश्यू कंटेजथिक साइक् साइकोप्लाज्म मैस्मेटिक टिश्यू की जो सेल होती है वो उसमें थिक साइटोप्लाज्म रहता है यानी मोटा साइटोप्लाज्म रहता है अ कॉन्सिपेशियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस एक अनथिन सेल वॉल और पतली सी सेल वॉल है एंड कंपैक्टली पैक्ड टुगेदर और जो सेल वॉल है वो एक दूसरे के साथ पैक्ड है वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन दिस सेल इन सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट रहते हैं द सेल्स आर हाईली एक्टिव इनके जो सेल्स हैं मैस्मेटिक टिश्यू की सेल्स हमेशा एक्टिव रहती है टू ब्रिंग अबाउट द प्लान ग्रोथ इज द मेन फंक्शन ऑफ मैस्टोमेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोथ मैरिस्टमेटिक टिश्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन मैस्टोमैटिक टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ गिवन बिलो लोकेशन के अलावा अकॉर्डिंग मैरिस्टमेटिक टिशू तीन टाइप के होते हैं फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टिम्स सेकेंड इंटर कैलरी मेरेस्टिम एंड लाइट्र मेरेस्टिम सो यहाँ आपको फिगर दे रखा है फर्स्ट एप्रिकल मेरेस्टिम के बारे में पढ़ेंगे एप्रीकल मेरेस्टम्स एट द टिप ऑफ द रूट ऑन द स्टेम्स एप्रिकल मेरेस्टिम स्टेम और रूट के टिप पर रहता है यानी टॉप पॉइंट इंटर कैलरी मैरिस्टेम एट द बेस ऑफ द पेटियोल्स ऑफ़ द लीज एंड ऑफ ब्रांचेस इंटरकाल मेरेस्टिम्स लीवस ऑफ ब्रांचेस के जो पैट्योल्स होते हैं उसके बेस पर एंड लेटल मेरेस्टिम्स लेटल साइड्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स लेट्रल साइड्स में रहेंगे सो फंक्शन ऑफ़ एप्रिकल मेरेस्टम एज़ इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम एप्रिकल मेरेस्टिम्स की वजह से रूट स्टेम की लेंथ इंक्रीज होती है इंटर कैलरी मेरिस्ट्रम्पस ग्रोथ ऑफ़ द ब्रांचेस फॉर्मेशन ऑफ द लीवस एंड फ्लायर्स ब्रांचज की ग्रोथ होती है लीवस और फ्लायर्स का भी फॉर्मेशन होता है एंड द लास्ट इज लेटरल मरिस्ट्रेम्स इंक्रीज डायमीटर ऑफ द रूट एंड स्टेम्स इसकी वजह से रूट और स्टेम का डायमीटर इंक्रीज होता है इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं so, हैं सो स्टार्ट करते आफ्टर दियर ग्रोथ इज इनकम्प्लीट न्यू सेल्स फॉन्ड बाय द डिविजन ऑफ मरिस्टोमैटिक टिश्यू लॉज दर एबिलिटी टू डिवाइड एंड स्टार्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एट स्पेसिफिक प्लेस सो so, जैसे ही उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है किसी एक प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो जो न्यू सेल्स से जो कि मेरिसमेटिक टिश्यू की, की वजह से बने हैं तो वो अपनी एबिलिटी को खो देते हैं जिससे कि वो डिवाइड नहीं हो सकते और वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक प्लेसेस पर थर्स दे परमानेंटली एक्वायर ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर शेप आर लोकेशन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दे दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंशियशन एंड द परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम दिस डिफ्रेंशियटेड सेल सो ये जो है इसकी वजह से उनका जो शेप है जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो शेप है जो लोकेशन है उसमें डिफ्रेंशियेशन आ जाता है देयर आर टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सो इस वीडियो में हम पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू आर अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक टाइप की सेल से बनते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे आर ऑफ़ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप्स के रहते हैं फर्स्ट इज एपिडर्मिस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एपिडर्मिस पढ़ने वाले हैं टेक अ फ्रेश एंड फ्रेशी लीव ऑफ रोयो, लिली और एनी अदर प्लांट हमको एक लीफ लेनी है चाहे वो लिली के लिए या किसी और प्लांट के पोल एंड टीयरिंग एट, एट इन such अ वे दैट एट ट्रांसपेरेंट epidermis विल बी विजिबल एट द कट मार्जिन हमको ऐसे उसको टीयर करना है, ऐसे उसको फाड़ना है कि जो उसके ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिक है वो हमको इजीली विजिबल रहे टेक द ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिक विद द फोर कैप्स एंड कीप इट इन द डायल्यूट सेफरीन सोल्यूशन फिर हमको ट्रांसपेरेंट एपिड लेना है और उसको डायल्यूट सेफरीन सोल्यूशन में डाल देना है फॉर वन मिनट स्प्रेड इट ऑन वन स्लाइड फिर एक स्लाइड पर इसको रखना है कवर विथ अ कवर स्लैप एंड ऑब्जर्व अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर हमको देखना है द एंटायर

जो एपिडर्मिस के सेल होती है वो फ्लैट रहती है और बिल्कुल भी इंटरसैलो स्पेस नहीं रहती है अ सिंगल कंटीन्यूस लेयर इज फॉर्म एक सिंगल और पूरी कंटीन्यूस लेयर बनती है द एपिडर्मी ऑफ द एंड द लीज इज कवर्ड बाय द वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटी ड्यू टू विच वाटर इज वाटर इन द टिश्यू ऑफ रेहोस्टेड प्लांट अंडरलाइंग दार्ट इज रुटेंड अंडरलाइंग पार्ट इज रिटेंड सो जिससे कि जो वाटर है वो बाकी सारे पार्ट्स तक भी पहुँच जाए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट ईशूज पढ़ने वाले हैं सो so, परमानेंट टीश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं फटे फर्स्ट इज़ पैरनकाया कॉलिन काया एंड स्कैलन कायमा सो so, हम एक एक करके तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे सो so, फर्स्ट हमको पर, हम लोग पैरनकाया के बारे में पढ़ेंगे पैरन कायमा का फिगर आपको दे रखा है जिसमें इंटरसैल स्पेस है वाक्यूल से एंड क्लोरोप्लास्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स लिविंग सेल्स विद सेल वॉल एंड इंटर सेलोर स्पेस इनकी जो सेल्स रहती है वो लिविंग है और बहुत थीन सेल वॉल रहेगी यानी बहुत पतली सेल वॉल रहेगी और इंटर सेलोरो स्पेस भी है इनकी सेल्स के बीच में इस ये लोकेशन है ऑल पार्ट्स लाइक रूट्स स्टेम्स लीव्स फ्लावर्स एंड शर्ट्स ये रूट्स में स्टेम्स में लीव्स में फ्लावर्स में और सीड्स में हर जगह मिलेंगे इसका फंक्शन है कि ये सपोर्ट करते हैं और फूड को स्टोर करके रखते हैं एंड फिलिंग द वैकेंट स्पेस यानी जो खाली जगह उसको भी भर देते हैं इसके दो सब टाइप है कॉलैंड कायमा सच एज लीव्स परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में काम आता है and एरन कायमा aquatic एक्वाटिक leaves and stems to टू फ्लोट ये एक्वाटिक प्लांट्स को हेल्प करता है फ्लोट करने में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉलेन कायमा विच इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू फिगर आपको दे रखा है अवेलेबल फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इलोंगेटेड लिविंग सेल्स विद द थिकन सेल वॉल्स एट द कॉर्नर्स ड्यू टू सेल्यूलॉस एंड पैक्टीन इसके जो सेल्स से एलोंगेटेड है यानी बहुत लंबी लंबी है और यहाँ की जो वॉल है मोटी है थिक है यानी जो उसके वॉल के जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत थिक है क्योंकि सेलुलोज और पैक्टिन उसमें प्रेजेंट है लोकेशन है एट द बेस ऑफ द लीफ पेटियोल ब्रांचेस एंड स्टेम्स, ये लीफ के बेस पर पेटियोल पर ब्रांचेस पर और स्टेम्स में मिलेंगे इसका फंक्शन है इट्स सपोज एंड फ्लैक्बिलिटी टू वेरियस पार्ट्स ये सपोर्ट करते हैं वेरियस अलग अलग पार्ट्स को और फ्लैक्बिलिटी भी बहुत है एंड थर्ड टाइप ऑफ सिंपल पम्बानेट टिश्यू इज कैलेंट कायमा जिसका फिगर हमको दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज डेड एंड फाइब्रस सेल विद ट्रैपिंग एंड सेल वॉल कंटेंस लेगने इसकी जो सेल से वो डेड है और फाइबर से फाइबर से बनी हुई है सेल वॉल कंटेन्स लिगनेन। लोकेशन है स्टेम ऑफ द लीव्स, हार्ड कोटेड ऑफ सीड्स आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनेट ये स्टेम्स में मिलेगी लीव्स की जो वेन्स हैं वहाँ पर सेट्स के जो हार्ड कोडेड रहेंगे वहाँ पर और जो तो नारियल की जो कवरिंग रहती है आउटर कवरिंग वहाँ पर ये हमको स्कैलिनका परमानेंट टिश्यू मिलेगा इसका फंक्शन है इट्स स्ट्रेंथ और रिजिडिटी टू द पार्ट ऑफ द प्लांट ये प्लांट को स्ट्रेंथ करते हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं हेलो बच्ची हाई ये पूर्वी ऑन बिहाफॉर पर्सनल यूट्यूब चैनल आज हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टीशू कैन बी क्लासीफाई इंटू टू कैटेगरी फर्स्ट इज इज़ालिम एंड सेकेंड इज फ्लोयम सो एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे सो so, फर्स्टली हम जालम की करैक्ट्रिस्टिक्स पढ़ेंगे जालम कंसिस्ट ऑफ थे वॉल डेड सेल्स जालम में मोटी वॉल रहती है जो कि डेड सेल से बनी हुई है एंड फ्लोयम कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द लिविंग सेल फ्लोयम में लिविंग सेल रहती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रजेंट है जालम टाइप्स ऑफ सेल्स इन जालमसार ट्रैकिअ वसल्स एंडम फाइबर डेड सेल्स जायलम पैरिनमा लिविंग सेल एंड टाइप ऑफ सेल्स प्रजेंट इन फ्लोएम आर साइ ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरिनकामा लिविंग सेल फ्लोएम फाइबर इज डेड सेल सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम में पूछा भी जाता है टाइप ऑफ सेल्स ऑफ फ्लोएम एंड जालम ना दंक्शन ऑफ जालम इज स्ट्रक्चर लाइक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स कंडक्ट वाटर और मिनरल्स ऊनली इन द अपवर्ड डरेक्शन जालिम वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डरेक्शन में लेकर जाता है और फ्लोयम जो है ट्यूब जॉइंट टू ई च यहाँ पर जो ट्यूब्स है एक दूसरे से जॉइंट है कंडक्ट द शुगर एंड एमिनो एसिड फ्राम द लीव टू वेरियस पार्ट एन द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डरेक्शन यहाँ पर शुगर और अमिनो ऐसिड का ट्रांसफ़र होता है लीव से दूसरे पार्ट्स में ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा सम सेल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टॉट इम्पोर्टेंट दैट इज इफ प्रोवाइडेड अ प्रॉपर इन्वामेंट अ न्यू ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस सेल इट फॉज रियलाइज दैट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सेल एंड दैट जेनेटिकली कंट्रोल बाय Chemical process, variety of high yield crops, and the new species of animals and the various vaccines could be produced. This led to the rise of a new branch in biology biotechnology. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बायो टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, सो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट वॉज बिकम हेलो बच्चों हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस द प्लांट्स एंड एनिमल्स बियरिंग सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडिशन ऑफ देयर नेचुरल वंस इस टेक्निक की वजह से आजकल ये पॉसिबल हो गया कि हम प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर सके दिस टेक्निक ब्रिंगिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। इस टेक्निक की वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स आर टुगेदर कॉल बाय टेक्नोला बायो टेक्नोलॉजी सो आर्टिफिशियल जेनेटिक हुए हैं और हाइब्रिडाइजेशन भी हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है बायो टेक्नोलॉजी इट इंक्लूड्स द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द टिश्यू कल्चर इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ है इट यू इट यूजेज आर इन द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप improvements in the variety of cash crops increase in the ability of plants to withstand environmental stress, vaccine production, early diagnosis of the conjunctival disease, organ transplant. transplant, cancer research, production of the artificial skin, cartilage, etc., in laboratory. so, jazahi like technology. हमारे यूज़ में आई जैसे इसका प्रोडक्शन हुआ तो वैसे वैसे हमारे लाइफ भी बहुत सिंपल हो गई यानी हमको बहुत अलग अलग वैरायटी की कैश क्रॉप्स मिल गई उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया फिर प्लांट्स की एबिलिटी भी बढ़ गई जैसे वो इन्वॉमेंटल स्ट्रेस को सहन कर सके वैक्सीन का प्रोडक्शन होने लग गया कॉन्चेक्टियल डिसीज़ के लिए डायग्नोसिस आ गई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लग गए कैंसर रिसर्च प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल स्की लेबोरेटरीज। सो अब हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टिश्यू कल्चर पढ़ने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं कैन यू रिकॉल Suppose you want to grow a garden like this one show on this बज्जा around your school or home. What would you do to achieve that? So अगर हमको इस टाइप का गार्डन बनाना है या तो हमारे स्कूल में या घर में so क्या क्या मैथड्स हमको use करनी रहेगी जैसे कि हम सिर्डलिंग को कल्टिवेट कर सकें यू मस्ट seen द फ्लावर्स ऑफ द सेम वेराइटी बट ऑफ टू टू थ्री डिफरेंट कलर्स बॉन बाय द सेम प्लांट्स हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं मतलब सेम टाइप के फ्लावर्स के ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं हाउ इज इट पॉसिबल ये पॉसिबल कैसे है लेटस लर्न अबाउट अ मॉडर्न टेक्निक रिलेटेड टू फार्मिंग एंड गार्डनिंग सो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्निक आइए फार्मिंग में भी और गार्डनिंग में भी यानी प्लांट्स में लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है यानी जो फ्लावर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। एग्जाम्पल वीवो ग्रोथ ऑफ सेल और द टिश्यू इन द एस्पेटिक एंड द न्यूट्रिएंट्स रिच मीडियम इज कॉल्ड द टिश्यू कल्चर नाउ डे अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स कैन बी डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सेल और फ्रॉम अ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक सो आज के टाइम पर जो टिशू ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो या तो सिंगल सेल से बनते हैं या टिशू कल्चर टेक्निक से अ लिक्विड सॉलिड और अ जेल लाइक मीडियम प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अगर विद सप्लाइज द न्यूट्रिएंट्स एंड द एनर्जी नेसेसरी फॉर द टिशू कल्चर इज यूज इन दिस टेक्निक इस टेक्निक में लिक्विड सॉलिड और जेल मीडियम भी बनाया जाता है जिससे कि मीडियम प्रिपेयर्ड फ्रॉम अगर अगर से बनता है जो कि सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और एनर्जी को सो वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर कल्चर में बहुत सारी प्रोसेस रहती है जैसे कि सोर्स प्लांट बल्ब कॉम ऑफ द सोर्स प्लांट दैन प्राइमरी ट्रीटमेंट दैन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन देन शूटिंग एंड रूटिंग प्राइमरी हार्निंग एंड सेकेंडरी हार्निंग सो so, ये अलग अलग प्रोसेस है जो टीशु कल्चर में होती है आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल टॉपिक चेंजेस इज चेंजे एग्रीकल्चरल चेंजे मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी लॉजिक की वजह से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आए फर्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बींग प्रोड्यूस बाई इंट्रोड इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन डी एन एफ द नेचुरल क्रॉप्स सो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए जैसे कि अगर नेचुरल क्रॉप के डी एन ए में जैसे चेंजेस आते हैं वैसे उसमें जेनेटिकली चेंजेस आ गए हैं नॉर्मली सच वेराइटीज़ आर नॉट फाउंड इन नेचर वैसे नॉर्मली इस टाइप की वेराइटी नेचर में नहीं पाई जाती है आंथस न्यू वेराइटीज़ आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली सो इस टाइप की वेराइटी हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इन सच वैराइटीज़ अलग अलग कैरेक्टर्स हम इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पर अलग अलग वेराइटीज़ के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स स्टिक्स को हम इंट्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट इज अबिलिटी टू विदेंड इनवोमेंटल स्ट्रेस सम नेचुरल ऑकेरिंग वेराइटीज़ का नॉट विद स्टैंड द इन्वॉर्मेंटल स्ट्रेस लाइक फ्रिक्वेंटली चेंजिंग द टेम्परेचर वेट एंड ड्राई फेमाइंस चेंजिंग क्लाइमेट एक्सेट्रा सो इनके पास एबिलिटी रहती है कि इन्वामेंटल स्ट्रेस को ये विड्रॉ कर सकते यानी उनके साथ सहन कर सकें उनको जैसे कि अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाता है सूखी ड्राई एंड वेट फैमाइंस आ जाते हैं क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं व जी एम क्रॉप्स कैन ग्रो इन एनी ऑफ द सच एडवर्स कंडीशन जो जेनेटिकली क्रॉप्स जो है वो किसी भी एक ही टाइप की कंडीशन में ही ग्रो कर सकती है एज जी एम क्रॉप्स आर रेसिडेंट टू इंसेक्ट पेस्ट पैथेगॉन्स कैमिकल वेडिसाइड्स एन द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक द पेस्टिस कैन बी अवॉइडेड सो जी एम जो क्रॉप्स है उसमें हार्मफुल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यानि जितने भी केमिकल्स यूज होते हैं वो नहीं यूज़ होते हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ़ द सीड ऑफ़ जी एम सीड्स देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन द लॉस ऑफ़ क्रॉप्स जैसे जैसे जी एम सीड्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे ही न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हो रहा है यानी न्यूट्रीशन की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है और

यानी हमारी कंट्री खुद ही इतना कल्टीवेट कर लेती है कि भारत की जितनी पॉपुलेशन है सभी के लिए सफिशेंट रहे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है अप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फॉरिकल्चर नर्सीज एंड फॉरेस्ट्री सो स्टार्ट करते हैं नर्सरीज आर नेसेसरी फॉर वेरियस पर्पज लाइक ग्रोइंग द गार्डन्स ऑन द लार्ज स्केल एफॉरेस्ट्रेशंस रिफॉरेस्ट्रेशन एक्सेट्रा नर्सरीज़ बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर गार्डन उगाए जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर यानि बहुत बड़े लेवल पर बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे आपको ईफॉरेस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि कई प्रकार के ट्रीज और प्लांट्स मिलेंगे वहाँ पर रिफॉरस्ट्रेशन है सेडलिंग्स हैव हाँ टू बी सप्लाइड इन अ लार्ज नंबर फॉर ऑल दिस पर्पस इस पर्पस के लिए जो सीड्स से है वो बहुत लार्ज लेवल पर सप्लाई की जाती है इट इज़ प्रॉफिटेबल इन सच केसेस टू प्रोड्यूस द प्लांट लेट्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक सो ये बहुत प्रॉफिटेबल है यानी इससे उनको बहुत प्रॉफिटि प्रॉफिट मिलता है टिश्यू कल्चर कैन बी ग्रो कैन बी यूज़ टू ग्रो दोज ऑन द लार्ज स्केल विच आर द फ्लावर्स फ्रूट्स ऑफ एक्सीलेंट क्वान्टिटी टिश्यू कल्चर जो है जो वो प्लांट को ग्रो करने की काम आता है जहाँ पर प्लांट बहुत लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं वहाँ टीशू कल्चर यूज़ में आता है जहाँ पर फ्लावर्स भी उगते हैं फ्रूट्स भी उगते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के fully grown plant can be produced in the short duration जो fully grown plants है वो कुछ ही समय में बहुत short time में ही produce हो जाते हैं plants can be grown on a large scale even if if means of the pollination or the germinating seeds are not available plants एक बहुत बड़े scale पर उगाए जाते हैं जिससे कि pollination भी बढ़ जाता है और जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो वहाँ पर अवेलेबल भी नहीं रहती है फॉर एग्ज़ाम्पल और ऑर्चिड और द पिचर प्लान्टो नॉट जर्मिनेट बट दे बट दिस प्लांट कैन इजीली बी प्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ टिश्यू कल्चर जैसे औरड और पिचर प्लांट जो है उसको हम जर्मिनेट नहीं कर सकते लेकिन ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक से इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं इन्ह बायो रिएक्ट सेल्स कैन बी ग्रोन आर मोर न्यूट्रेटिव मीडियम एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैथगॉन्स बायो रिएक्टर्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्लांटलेट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल सो जो बायो रिएक्ट सेल्स है जो यहाँ पर सेल्स उगाई जाती है वो बहुत ही न्यूट्रेटिव रहती है और पैथगॉन् से भी प्रोटेक्टेड रहती है यानी वो बैक्टीरिया फंगी से भी प्रोटेक्ट बायो रिएक्टर्स आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लांट लाइट्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल सो जो बायो प्रोटेक्टर्स है वो बहुत बड़े हिस्से पर किया जाता है जिससे कि वो प्लांट्स को बचा सके लार्ज नंबर ऑफ सिडलिंग प्लांट लाइट कैन बी प्रोड्यूज इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज ऑन मटीरियल बहुत बड़े लेवल पर प्लांट्स को उगा सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत कम मटीरियल के साथ यूजली प्लान्ट प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर एंड द जेनेटिकली मोडिफाइड टेक्निक्स आर डिस फ्री जो प्लांट टिश्यूकल्चर टेक्निक से और जो जी एम टेक्निक से बनाए गए वो डिस फ्री रहते उससे कोई बीमारी नहीं होती है प्लांट लेट्स प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर ऑफ द मरस्टमेंट्स आर वायरस फ्री और वो वायरस फ्री भी रहेंगे एम्ब्रॉय फॉर्म बाय द कॉन्वेंशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बिटवीन द टू और मोर वेराइ taste may not good, grow fully for some reason. However, embryos produced by the tissue culture technique always complete the growth. Last point is rare and endangered plant can be grown by the tissue culture technique, and thus can be protected from the extinctions. Similarly, various plants and sets of such plants can be prevented by the tissue culture, and those varieties can be protected. दिस आर द यूज एज ऑफ द टिश्यू कल्चर एंड द बायोटेक्नोलॉजी इन केस ऑफ द प्लांट्स नेक्स्ट ईयर विल स्टडी द यूज ऑफ टेक्निक इन द मै मेडिसिक मेडिकल फील्ड एंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक एग्री टूरिज्म पढ़ने वाले है सो so स्टार्ट करते हैं इफ़ सफ़िशेंट लैंड इज़ अवेलेबल द इमरजिंग फील्ड ऑफ़ एग्री टूरिज्म वुड बी गुड बिजनेस अगर हमारे पास सफिशेंट लैंड है तो हम वहाँ पर एग्रीटूरिज्म टूरिज्म कर सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है प्लांटलेट्स ऑफ फ्लावरिंग मेडिसिनल ऑर्नामेंटल वेजिटेबल्स प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज़ कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय द कल्चर टेक्निक सो यहाँ पर कल्चर टेक्निक से कई सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स है मेडिसिनल प्लांट्स है फ्रूट ट्रीज है, है हम इसको बहुत बड़े हिस्से पर उगा सकते प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड बाय ग्रोइंग सम ऑफ द प्लांट फुल्ली अ सफिशेंट एग्रीटोरिज्म सेंटर कैन बी डेवलप और जैसे ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं तो एक सेल्फ़ सफिशेंट एग्रीकल एग्री टूरिज्म सेंटर अब डेवलप हो जाता है सच जैस मैंगो चीकू गुआवा, कोकोनट कस्टर्ड एप्पल एंड सम अदर रीजनल फ्रूट ट्रीज शेड्स लाइक लोकल एंड द अट्रैक्टिव प्लांट्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट्स है ऑर्नामेंटल एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स भी है और ऐसे प्लांट्स भी है जिससे हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं बटरफ्लाइज गार्डन मेडिसिनल प्लांट गार्डन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पीपल विजिट द प्लेसेस विद सच अट्रैक्शन इन द लार्ज नंबर सीलिंग प्लान लेट्स सीलिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट सच प्लेसेस कैन बी क्वाइट प्रॉफिटेबल थैंक यू